वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, शाही फरमान भाई 10 दिन का नहीं आता है, 1 माह का आता है। मैं कंप्लीटली वीडियो आपको तफसील से बता देता हूँ। मैं मानता हूँ मैं 2 दिन वीडियो लेट कर रहा हूँ, लेकिन क्यों लेट कर रहा हूँ वीडियो में बताता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आई हूँ आपके साथ मैं। आपको भाई जो रिपोर्ट यानी कि जो एक न्यूज़ आ चुकी है, ये आपने अभी तक देख भी ली होगी, इकामा और छुट्टी भाई भर चुके हैं, मजीद इनको टाइम दिया जा चुका है। ये रिपोर्ट कहाँ से आई? सऊदी गजट ने ये बताया। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शॉट भी ये दिखा रखा हूँगा, ठीक है जी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन बंदों के जिनके भाई किसी न किसी वजह से अभी तक इकामे और छुट्टी नहीं पड़े हैं, उनको 10 दिन का मजीद टाइम दिया गया। यानी कि जनवरी तक तो शाही फरमान था, उसके बाद 10 दिन का फरवरी का टाइम भी उनको दिया जा रखा है ताकि उनके इकामा और छुट्टी बढ़ जाए। अभी मैं आपके साथ बात ये करने वाला था कि बहुत से भाई उन्होंने कमेंट किया, भाई आपने इसके मतलब बात नहीं की, आपने वीडियो नहीं बनाई। मैंने क्यों नहीं बनाई, मैं आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ, यकीनन आपको भी समझ आएगी। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया किन बंदों के नहीं बढ़ेंगे, उन बंदों के नहीं बढ़ेंगे जिन बंदों ने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदीया से कम्प्लीट की हुई है। क्यों? वो तो भाई जब चाहे सऊदीया में आ सकते हैं अपनी टिकट लेकर, उनको तो कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि फलां 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 महीना, वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैं आपको न्यूज़ के मतलब भी क्लियर करता हूँ अभी। उसके बाद आपकी कंपनी रेड है जी, नहीं बढ़ेगा। आपका पासपोर्ट ख़त्म है, नहीं बढ़ेगा। आपको क्लियर कर दूँ, पिछले साल के पहले माह से पहले का आपका ई काम एक्सपायर है, यानी कि आज से 1 माह 3-4 माह हो गए आपका ई काम एक्सपायर हुए, तो फिर भी आपका नहीं बढ़ेगा। ये भी आपको क्लियर कर दूँ मैं। बिल्कुल कुछ टेक्निकल इशू हैं उनको लेते हुए बिल्कुल अभी तक बहुत से भाइयों के इकामे और छुट्टी नहीं बढ़े हैं, ये क्लियर बात है। लेकिन जवाजात की तरफ से ये कह दिया गया था पहले भी कि हम तमाम तर इकामा और छुट्टी इंशाल्लाह ताला ज़रूर बढ़ाएंगे, बशर्ते के जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, आपकी कंपनी रेड नहीं होनी चाहिए, आपके पास जो पासपोर्ट है आपका पासपोर्ट की डेट होनी चाहिए और आपका अपशर वगैरह भी चलता होना चाहिए, ता किसी ना किसी दोस्त को यहाँ पर भाई बोलकर अपना अपशर ओपन करवा लें, पासवर्ड आपकी सिम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सिम नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं अपशर में जाकर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके। अभी न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं जी। न्यूज़ क्या है, एक 10 दिन का मजीद 10 फरवरी तक का टाइम दिया। कोई भी खबर भाई उस वक्त तक क्लियर नहीं होती, यानी कि कन्फर्म नहीं होती, खासकर इकामों के मुतलक, छुट्टी के मुतलक और फ्लैट्स के मुतलक, जब तक भाई वजारत दाखिलिया इसको कन्फर्म ना करे, ठीक है जी। सऊदी गजर की खबरें सच होती हैं, ये बात मानने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक स्क्रीनशॉट चला कर दिखा रहा हूँ, जब मैंने वजारत दाखिलिया का अकाउंट ओपन किया, ट्विटर अकाउंट आप खुद से देख सकते हैं जी, यहाँ पर कहीं भी मैंने नहीं लिखा हुआ देखा या ऐसी कोई न्यूज़ देखी जिसमें यह क्लियरली कह दिया गया हो कि 10 दिन का मजीद टाइम दे दिया गया है। हाँ, 1 माह का टाइम मैं मानता हूँ, जब आपको भाई शाही फरमान यानी कि शाही हुक्म के मुताबिक टाइम दिया जाएगा तो 1 माह का दिया जाएगा, 10 दिन का नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से, ये बात अपने जहन में रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप ट्वीट में देख सकते हैं, आपको इतने फाइन हो गए हैं, इतने पकड़े गए हैं, ऐसी ट्वीट, इतने 1000 का जुर्माना है, 1 लाख का ग्राम है, ऐसी ट्वीट मैंने देखी है हमारे मुताबिक। तो बहरहाल ऐसी इकामा और छुट्टी के मुतल्लिक क्लियरली अभी तक बात नहीं सामने आई है। ये एक भाई सऊदी गजर की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि मैं भी सही मानता हूँ, लेकिन उस टाइम ये ओके मानी जाएगी जब भाई वजारत दाखिलिया इसको बता देगा, यानी कि इसको अनाउंसमेंट कर देगा इस चीज़ की।